हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 77वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के बेटा हमने दो प्रकार के गुण पढ़े लिए। पहला ड्यू टू NH2 ग्रुप, ड्यू टू NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप के कारण पढ़ लिए हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरे पढ़ लिए बेटा हमने ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आज बेटा हम तीसरे प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू बोथ दी एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल्फा एमिनो एसिड्स, दो अल्फा एमिनो एसिड्स बेटा ताप के प्रभाव से दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके एक डाई, एक साइक्लिक डाई एमाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? साइक्लिक डाई एमाइड। देखिए आप रिएक्शन, NH2 इधर ले लीजिए, NH2 CH2 H की जगह R लिख रहे हैं, COOH COOH एक अल्फा एमिनो एसिड ये हो गया, दूसरा यहां से ले लिया COOH, यहां से नहीं NH2 से लेना पड़ेगा NH, NH2 CH2 COOH, एक अल्फा एमिनो एसिड ये है और एक अल्फा एमिनो एसिड ये है। हीट करेंगे बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा -2H2O, साइक्लिक डाई एमाइड बनेगा बेटा। देखिए आप NH C
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर N यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर बन गया बेटा C, C ये बन गया C, यहाँ पर है एक H, यहाँ पर है एक R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं बेटा हम साइक्लिक डाइएमाइड। नाम है इसका बेटा डाइकीटो, डाइकीटो पिप्राजीन, डाइकीटो पिप्राजीन, डाइकीटो पिपराजीन, डाइकीटो पिपराजीन, इसे हम ये लिख सकते हैं बेटा सिंपली यही तो है, यही तो है बेटा, हो गया। लिखेंगे व्हेन अल्फा एमिनो एसिड्स आर हीटेड देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट एंड ए साइक्लिक डाइएमाइड कॉल्ड डाइकीटो पिप्राजीन इज फॉर्मड। हो गया। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाई, दूसरी रिएक्शन देख लेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डाई हैंसन, फॉर्मेशन ऑफ डाई हैंसन, फॉर्मेशन ऑफ डाई हैंसन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डाई हैंसन, फॉर्मेशन ऑफ डाई हैंसन लिखेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स रिएक्ट विद आइसो, रिएक्ट विद आइसो साइनेट्स, आइसो साइनेट्स, अल्फा एमिनो एसिड्स रिएक्ट विद आइसो साइनेट्स टू फॉर्म दी करेस्पोंडिंग कार्बामाइड्स, टू फॉर्म दी करेस्पोंडिंग कार्बामाइड्स। रिएक्शन देख लो बेटा, ये है C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
RMCO ये क्या है, आइसोसाइनेट। इसकी रिएक्शन ढूंढने करवानी है अल्फा एमिनो एसिड से, अल्फा एमिनो एसिड यानी कि NH2CHRCOOH। यहां पर है नॉन पेयर, ये है डेड पॉजिटिव, ये है डेड नेगेटिव। यहां पे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड, यहां से होगा ऑक्सीजन पर, मींस ये NH2 ये पूरा ग्रुप इस कार्बन पर जोड़ना है। जोड़ दीजिए, देखो ये इस कार्बन को लिख दिया हमने, यहां सिंगल बॉन्ड को आ गया ठीक, और यहां पे हमने जोड़ दिया तो क्या जोड़ेंगे हम, NH2 CHRCOOH। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड C6H5 ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा बेटा, यहां फर्दर क्या है, यहां डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस एन, मतलब ये रियरेंज हुआ C6H5 एन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये NH2 क्या होगा, NH2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज CHRCOOH। ये बना एक इंटरमीडिएट, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा, आगे रिएक्शन हो जाएगी बेटा C6H5NH C OOH NH CHR और ये COOH, ये हुआ बेटा कार्बामाइड बन गया। लिखो दिस कार्बामाइड, यह कार्बामाइड ऑन वार्मिंग इसे गर्म करो बेटा, ऑन वार्मिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद HCl गिव क्या बनाता, हाई ये हाई टेंशन है बेटा, हाई टेंशन गिव हाई टेंशन, देख लीजिए इससे हाई टेंशन बनाएंगे, इसे रीअरेंज कर लो जरा, RCH ठीक है, NH RCH NH RCH RCH NH ठीक, उसके बाद COOH है, COOH ठीक, ये NH से क्या जुड़ा हुआ है, COOH क्या है इससे जुड़ा हुआ बेटा, CO
NH, CO NH, C6H5। जैसे ही मैं HCl के साथ क्या करूंगा, हाइड्रोजन में हीट करूंगा या बॉम्ब करूंगा, तब बन जाएगा बेटा, इधर बना देता हूं, ये H2O निकल जाएगा, मतलब ये बचा CH सिंगल बॉन्ड NH, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर N, C डबल बॉन्ड O, और इस N से क्या है C6H5, इस N से C6H5, इस N से है बेटा C6H5, ये रिएक्शन, इसका नाम है हाइड्रेशन, ये बना आपका हाइड्रेशन। तो ये थी बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू NH2 एंड COH ग्रुप। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।